नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भावस्था में होने वाली पैरों की सूजन के बारे में। तो दोस्तों, गर्भावस्था में पैरों में सूजन होना आम बात होती है। बड़ी समस्या न होने के बावजूद गर्भवती महिलाओं को इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ और गर्भाशय के बढ़ते आकार की वजह से पैरों और एड़ी में सूजन होने लगती है, और जैसे जैसे प्रसव के दिन नज़दीक आते हैं वैसे वैसे सूजन बढ़ती जाती है। गर्मियों के मौसम में दिन के अंतिम समय में सूजन और भी ज़्यादा होने लगती है, लेकिन ध्यान रखें कि पैरों की तरह चेहरे और हाथ की सूजन सामान्य नहीं है। पैरों की सूजन को लेकर आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि चेहरे और हाथों की सूजन अन्य बीमारी की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि प्री एक्लेम्सिया। भ्रूण को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व न मिलने की वजह से प्री एक्लेम्सिया जैसी समस्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि गर्भावस्था में पैरों में सूजन कब होती है। तो यूं तो गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भवती महिला के पैरों में सूजन आ सकती है, लेकिन आमतौर पर पांचवें महीने में यह सूजन ज्यादा दिखती है और अंतिम तिमाही में पैरों की सूजन ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा पैरों में सूजन की कई और भी वजह मौजूद है, जैसे कि गर्मी का ताप, लंबे समय तक खड़े रहना, पूरे दिन शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, लो पोटेशियम डाइट लेना, ज़्यादा मात्रा में कैफीन का सेवन करना या फिर सोडियम ज़्यादा मात्रा में लेना। और जैसा कि हमने बताया कि गर्भावस्था में पैरों में सूजन सामान्य होती है और पैरों के साथ साथ शरीर के किसी अन्य हिस्से में सूजन है, खासकर चेहरे और हाथ में, तो डॉक्टर से संपर्क करने में आपको देरी नहीं करनी है। और उसके बाद दोस्तों बात करें कि क्या पैरों और एड़ी की सूजन की वजह से कोई जोखिम हो सकते हैं। तो दोस्तों, एडिमा की वजह से पैरों और एड़ी में आई सूजन नुकसानदायक नहीं है। अगर कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पैरों में सूजन नहीं होती है तब भी यह चिंता का विषय नहीं है। लगभग 4 में से 1 महिला को सामान्यतः गर्भावस्था के दौरान पैरों में सूजन की समस्या नहीं होती है, और इस दौरान आपके लिए जरूरी है कि अपना BP और यूरिन जो है वो नियमित चेक करवाएं, और यदि ये सामान्य स्तर पर है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गर्भावस्था में पैरों की सूजन को आप कम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, पैरों की सूजन को कम करने के लिए गर्भवती महिला कुछ जरूरी उपायों को आजमा सकती है, जैसे कि लंबे समय तक तो न तो एक जगह पर बैठें और न ही खड़ी रहें। अगर लंबे समय तक खड़े रहने का कोई काम कर रही हैं तो बेहतर है कि कुछ देर में ब्रेक लेती रहें। अगर घंटों बैठे बैठे काम करती है तो प्रति घंटे में 5 से 10 मिनट का गैप लें और कुछ देर के लिए चहलकदमी कर आएं, जिससे कि आराम मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को घंटों पैर लटकाकर नहीं बैठना चाहिए, इससे भी सूजन बढ़ती है। संभव हो तो पैरों को चेयर पर उठाकर रखें या फिर चेयर पर ही जो है आलथी पालथी मारकर बैठें, और ऐसा करना संभव नहीं है तो पैरों के नीचे छोटा सा स्टूल रख लें ताकि पैरों को सपोर्ट मिल सके। बैठे बैठे पैरों को स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज करें। इसके लिए सबसे पहले पैरों को सीधा करें और इसके बाद पैरों के पंजों में खिंचाव बनाएं, और इस तरह पैरों की मांसपेशियों को आराम मिलेगा। अगर काफ़ी देर से बैठी हैं तो पैरों के पंजों को अपनी जगह पर बैठे बैठे गोल घुमाएं। साथ ही साथ गर्भावस्था में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, उदाहरण के लिए वॉकिंग या स्विमिंग करें। वॉकिंग यानी कि चलने से शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, और स्विमिंग करने के लिए बेहतर होगा एक बार विशेषज्ञ से राय लें। स्विमिंग करने से पानी के दबाव के कारण टिश्यूज का तरल पदार्थ नसों की ओर चला जाता है, जिससे कि यह किडनी तक पहुंचता है, और किडनी तक पहुंचने के कारण आप पेशाब के जरिए इस तरल पदार्थ को बाहर निकाल सकती है, और परिणाम स्वरूप पैरों की सूजन कम हो जाती है। गर्भावस्था के दिनों एरोबिक क्लासेस ज्वाइन करना भी फायदेमंद रहता है। साथ ही साथ सोते समय अपनी पोजिशन का ध्यान रखें, पीठ के बल लेटने के बजाय दाई या बाई ओर करवट लेकर लेटें। विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं को बाई और करवट लेकर सोने की सलाह देते हैं। दरअसल बाई और करवट लेकर सोने से किडनी दुरुस्त रहती है, नतीजतन पैरों में सूजन की आशंका कम होती है। गर्भावस्था के दिनों में टाइट इलास्टिक वाली जुराबें और स्टॉकिंग्स न पहने। इन दिनों रक्त को अच्छी तरह प्रवाहित होने दें, और रक्त प्रवाह बाधित होने से सूजन की समस्या पैदा हो सकती है। हल्के और सुविधाजनक जूते पहने, हाई हील और टाइट फिटिंग जूते कतई न पहने, और इससे पैरों को दिक्कत हो सकती है। हल्के और थोड़े से ढीले जूते पहनने से गर्भावस्था के दिनों में आपको सहजता महसूस होगी। जूतों की तरह आरामदायक और ढीले ढाले कपड़े चुनें ताकि पैरों तक रक्त प्रवाह में किसी तरह की बाधा न आए। टाइट टॉप जींस से कुछ महीनों के लिए दूर हो जाएं, और गर्भावस्था के दिनों में महिलाओं को खूब पानी पीना चाहिए, क्योंकि पैरों की सूजन को कम करने के लिए भी यह जरूरी है।
अमूमन पैरों में सूजन सोडियम की वजह से आती है और अवशिष्ट सोडियम को पेशाब द्वारा पानी की सहायता से बाहर निकाला जा सकता है और इसीलिए पानी पीना जरूरी है। नमक आपके हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन अतिरिक्त नमक आपके हेल्थ को खराब कर सकता है और इसीलिए उतना ही नमक खाएं या अपनी डाइट में उतना ही नमक शामिल करें जितना कि ज़रूरी है। नमक की ज़्यादा मात्रा आपके पैरों में सूजन को बढ़ा सकती है। पैरों में सूजन को कम करने के लिए हेल्दी डाइट लें, जंक फूड से दूर रहें और ध्यान रखें कि आपको सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने बच्चे के हेल्थ का भी ध्यान रखना है और इसीलिए ऐसे आहार बिल्कुल भी ना खाएं जो कि हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं और साथ ही पैरों की सूजन को बढ़ा सकते हैं। जितना संभव हो गर्भावस्था के दिनों में घर से बाहर निकलने से बचें, खासकर गर्मी की दोपहर में, और पैरों में सूजन होने पर आराम करना बेहतर उपाय होता है। आराम करने से पैरों की सूजन अपने आप कुछ दिनों में कम हो जाती है और कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि गर्भावस्था में पैरों की सूजन को लेकर ज़्यादा परेशान न हो। पैरों में सूजन होना सामान्य है और यह किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा भी नहीं करता। हाँ, पैरों में सूजन की वजह से गर्भवती महिला को असहजता हो सकती है और इसीलिए यहाँ पर इस वीडियो में जो उपाय आपको बताए हैं वो आप आजमा सकती है, यकीनन पैरों की सूजन से कुछ आराम जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।